हेलो एवरीवन। सो थोड़ा बकैती कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सब जगह चल रहे हैं बकैती, तो सोचा थोड़ा कुछ बता दो इनपुट्स। मार्कशीट इसीलिए दिखा देता हूँ कि बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं या दिखते हैं ऐसे, आज तक कभी यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं दिया है लेकिन कट ऑफ प्रेडिक्शन करने आ जाते हैं। चलिए भाई, सबके पास फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम है, बात ही कर रहे हैं। ये मार्कशीट वर्कशीट है, देख लेना यार। 2018 में 114 था, 101 था, और 2020 में 102 मार्क्स थे मेरे। तो 2020 में मैंने यूपीएससी का नहीं दिया था एग्जाम, आईएफएस का दिया था। यूपीएससी में भी हो जाता है 87 मार्क्स कट ऑफ का। बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ 2016 में 116 गया था, उसके बाद से यूपीएससी ने ईओ पे ले लिया है, तो हर साल जो है ना कट ऑफ जो है गिरता जा रहा है। ठीक है, 2021 में कट ऑफ गिर के सूच मतलब हमारे सेंसेक्स की तरह गिरते 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 87.5 पे पहुंच गया है। कभी नहीं सोचा था ये कहूंगा, लेकिन अगर आप लोगों का 70 आ रहा है किसी भी की से पढ़ोगे, फालतू का यहाँ बकैती मत करो, टेलीग्राम पे जाके किसी को पिंग मत करो लड़की लोग को प्राइवेटली कि क्या कट ऑफ जाएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सही बता रहा हूँ, पढ़ाई कीजिए, पढ़ना तो वैसे भी है, निकालना है अगर आपको प्री वरी तो कीजिए भाई, निकालना तो आपको फाइनली मेंस और इंटरव्यू है ना, तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और इधर उधर बकैती मत कीजिए। 70 अब लग जाइए, किसी भी की से आ रहा है लग जाइए। दो तीन तीन चार की अगर देख लिया है उसका एवरेज स्कोर ले लीजिए। ठीक है, सबका एवरेज स्कोर आपको पता ही, एवरेज कैसे निकालते हैं, सीसा कैसे निकलेगा अगर एवरेज नहीं पता है तो एवरेज लीजिए, 70 हो गए लग जाइए। चलिए भाई, बाय बाय, चार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हो गया।